आपकी मर्जी के बिना कोई आपका फ़ोन छू भी ले तो आपको बहुत गुस्सा आता है। ऐसे में यदि हम आपसे कहें कि कोई आपके मोबाइल की जासूसी कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? कई बार आपको पता नहीं होता कि आपकी कॉल रिकॉर्ड्स की जा रही हैं। हालांकि यदि सरकारी एजेंसियां आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रही हो तो आप इस बात का पता भी नहीं लगा सकते हैं। भारत सहित ज़्यादातर देशों में बिना इजाज़त कॉल रिकॉर्ड करना लीगल नहीं है। यदि सरकारी एजेंसियां आपके कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रही हो तो आपको ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है नहीं। यदि सरकारी एजेंसियां आपके कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रही हो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है या नहीं। दरअसल सरकारी एजेंसियां टेलीकॉम कंपनियों के सहारे कॉल रिकॉर्ड करती है। ऐसे में आपको पता नहीं लगता कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है या नहीं तो आप कुछ चीज़ों पर गौर कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई कॉल आती है या आप किसी को कॉल करते हैं तो कुछ सेकंड्स या मिनट के बाद बीप की आवाज़ सुनाई दे तो समझ ले कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। फ़ोन ओवरहीटिंग एक आम समस्या है, लेकिन यदि ये बार बार हो रही है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग इस तरह से भी की जाती है। आपके फ़ोन में इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो कॉल रिकॉर्डिंग कहीं और भेजता है। वह लगातार कॉल रिकॉर्ड और सेंड करने की वजह से ओवरहीटिंग की समस्या होती है। यदि आपको लग रहा है कि आपका डेटा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो सावधान हो जाइए। कई बार कॉल रिकॉर्डिंग वाले सॉफ्टवेयर ज़्यादा डेटा खपत करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग फाइल को रिमोट सर्वर पर सेंड किया जाता है। ऐसे में समय समय पर डेटा यूजर्स चेक करते रहें, यहाँ आपको पता लगेगा कि आपका डेटा कहाँ खर्च हो रहा है। यदि आप अपने स्मार्टफोन में लिमिटेड ऐप्स यूज़ करते हैं, विज्ञापन वाले ऐप्स नहीं हैं, फिर भी आपके फ़ोन पर पॉपअप ऐड या मैसेज आ रहा है तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपका स्मार्टफोन स्पाई किया जा रहा है। यदि फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है फिर भी स्क्रीन ऑन हो गई है, या फिर साइलेंट मोड खुद से ऑफ हो गया, फ्रंट का कैमरा अचानक शुरू हो गया हो तो समझे फ़ोन की जासूसी की जा रही है। यदि ऐसे मैसेज फ़ोन में आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स और सिंबल्स हो सकते हैं, इस तरह के मैसेज से भी सावधान हो जाएं। आपको ऐसा लगता है कि आपके स्मार्टफोन में भी इस तरह की कुछ दिक्कत आ रही है तो फ़ोन का बैकअप लेकर फैक्ट्री रिसेट कर लें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।